खरगोन रमजान मुबारक माह का तीसरा अशरा अब ढलान पर है। तीसरे अशरे की 27वीं शब को शब ए कद्र के रूप में मनाया गया। शहर सहित कसरावद में भी शनिवार रात में मुस्लिम समाजजनों ने विशेष नमाज कर जागरण कर इबादत की। माना जाता है इसी मुकद्दस रात में कुरान भी मुकम्मल हुआ। रमजान में 27वीं इबादत की रात होती है। 27वीं शब को उन अधिकतर मसाजिद में जहां तरवीह की नमाज अदा की गई, साथ ही सभी मस्जिदों में नमाज अदा कराने वाले इमाम साहिबान का भी मस्जिद कमेटियों की तरफ से इस्तकबाल किया गया है। शबे कद्र को रात भर इबादत के बाद मुसलमान अपने रिश्तेदारों, अजीजों, अकारिब की कब्रों पर सुबह सुबह फातिहा पढ़कर उनकी मगफिरत, मोक्ष के लिए दुआएं भी मांगने पहुंचे। इस रात में अल्लाह की इबादत करने वाले मोमिन के दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाह बख्श दिए जाते हैं, दोजक की आग से निजात मिलती है। वैसे तो पूरे माह रमजान में बरकतों और रहमतों की बारिश होती है। ये अल्लाह की रहमत का ही सिला है कि रमजान में एक नेकी के बदले 70 नेकियां नामे आमाल में जुड़ जाती है, लेकिन शब ए कद्र की विशेष रात में इबादत, तिलावत और दुआएं कबूल व मकबूल होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों की माफी तलब करने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। इस रात खुदा ताला नेक व जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाता है। रमजान की विशेष नमाज तरावीह पढ़ाने वाले हाफिज साहबान इसी शब में कुरान मुकम्मल करते हैं, जो तरावीह की नमाज अदा करने वालों को मुखाग सुनाया जाता है। इसके साथ घरों में कुरान की तिलावत करने वाली मुस्लिम महिलाएं भी कुरान मुकम्मल करती हैं। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमजान के चांद नजर आने से लेकर अभी तक, लैलतुल कद्र की रात तक, हम लोग कुरान मजीद और फुरकान हमीद थोड़ा थोड़ा कर पढ़ते हैं और आज मुकम्मल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज इतनी बरकतें हैं, आज हर रकात के बदले हमें हजारों साल की इबादत का सवाब मिलता है। और आज की रात में जब बंदा अपने रब को याद करता है, आंसू जारी करता है, अपने आंसू बहाकर अपने रब से दुआएं मांगता है, तो आज रात की बरकत और उसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआओं को कबूल फरमाता है और तमाम उनके जो भी काम रुके हुए हों इस रात के सदक़े में तमाम काम को आसान फरमा देता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें एक संदेश जो सबसे ज़रूरी है, आज हालत हाजरा को देखते हुए ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें एक बनकर रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के सुख में दुख में छोटों का अदब, बड़ों को शफकत देनी है और भाईचारे के साथ हमें हिंदुस्तान में रहना है।